दोस्तों जब बात आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज की आती है तब इस दुनिया में लगभग हर दूसरे दिन एक आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी होती है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हर आर्कियोलॉजिकल फाइंड महत्वपूर्ण और शानदार हो, क्योंकि शानदार की श्रेणी में कुछ ही आर्कियोलॉजिकल खोजें अपनी जगह बना पाती हैं। तो चलिए जानते हैं उन्हीं कुछ शानदार आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स के बारे में हमारी इस वीडियो के जरिए। नंबर 10। दोस्तों चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत हम एक ऐसे प्राचीन रोमन मोज़ेक के साथ करते हैं जिसे सार्डिनिया में पोर्टो टॉरेस नाम की एक जगह पर मई 2022 में खोजा गया था। आपको बता दें कि जब इसे आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा खोजा गया था तो इसे टुकड़ों में खोजा गया था, पर आप जानकर चौंक जाने वाले हैं कि उन टुकड़ों से मोज़ेक को पूरा बनाने में एक साल से भी ज्यादा का समय लगा था। इसे जिस जगह से खोजा गया था उसी जगह से आर्कियोलॉजिस्ट को 11 बरियल्स भी मिले थे। इन मोज़ेक फ्रैगमेंट्स को काफी अच्छी तरह प्रिजर्व किया गया था और इसके बारे में आर्कियोलॉजिस्ट का मानना था कि ये एक कपल को डेडिकेटेड था जिनका नाम डियोनिसियो और सेप्टिमिया म्यूजा था। ये मोज़ेक कैपुचिनो स्टाइल में बनाया गया था जो 4th सेंचुरी के समय नॉर्दर्न अफ्रीका में काफी ज्यादा फेमस थी, इसी कारण से ये आज के समय एक बहुत महत्वपूर्ण खोज है। नंबर 9। इस दुनिया में कई सारी जगह कई अलग अलग तरह के हेंज मौजूद हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा फेमस है इंग्लैंड में मौजूद स्टोनहेंज, लेकिन आप जानकर चौंक जाने वाले हैं कि एक और हेंज भी स्टोनहेंज जितना ही पॉपुलर है और वो है मॉम्बेरी रिंग जो एक न्योलिथिक हेंज है और डोरसेट में मौजूद है। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि ये रिंग डोरसेट में रोमन पीपल के आने से कई हजार साल पुरानी है जो एक एम्फीथिएटर था। इसके साथ ही आर्कियोलॉजिस्ट का ऐसा भी मानना है कि इस मॉम्बेरी रिंग का 17th सेंचुरी में हुए इंग्लिश सिविल वॉर के दौरान मॉडिफिकेशन किया गया था और मॉडिफिकेशन के बाद इसे आर्टिलरी फोर्ट की तरह उपयोग में भी लिया गया था। जब आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि इस जगह से मॉडिफिकेशन के समय आर्कियोलॉजिकल थिंग्स को तबाह कर दिया गया था और इसी कारण से आज ये पता लगाना कठिन है कि इसे किसने और क्यों बनाया था। नंबर 8। माउंट एटना जो कि इटली में मौजूद है, इसे देखने लगभग हर साल हजारों की तादाद में लोग आते हैं और इसी के साथ वहीं दुनिया का सबसे ऊंचा प्लेटियो भी मौजूद है जिसे आर्गमोस्को के नाम से जाना जाता है। इस प्लेटियो की ऊंचाई से ना जाने आप कितनी सारी जगहों का व्यू एक साथ ले सकते हैं। इसके साथ ही एक चीज ऐसी भी है जो उस प्लेटियो पर पिछले कई सालों से मौजूद है और साइंटिस्ट के लिए रहस्य बनी हुई है। आपको बता दें कि असल में ये वहाँ मौजूद कार्विंग रॉक्स है और इसके बारे में लोकल लोगों का मानना है कि ये प्री हिस्टोरिक पॉपुलेशन के द्वारा कार्व किए गए थे, लेकिन अगर इस बारे में साइंटिस्ट की माने तो उनका कहना है कि इन पत्थरों को कार्व नहीं किया गया था बल्कि ये हजारों सालों पहले से हो रहे विंड इरोजन के कारण बने हैं। इसमें से जो सबसे फेमस शेप है वो एक ईगल का है और इस जगह पर प्राचीन समय में ईगल को सोल ऑफ डेथ के लिए भी जाना जाता है, मगर अब किसकी बात सच है ये तो आज तक किसी को नहीं पता। नंबर 7। दोस्तों वैसे तो आज के इस वीडियो में हम स्टोनहेंज के बारे में थोड़ी बात पहले ही कर चुके हैं, लेकिन इंग्लैंड का स्टोनहेंज आज भी दुनिया की सबसे बड़ी मिस्ट्रीज में से एक है। आपको बता दें कि इस पर बड़े बड़े पत्थरों के साथ 40 छोटे छोटे पत्थर भी मौजूद हैं, जिन्हें ब्लू स्टोन नाम से जाना जाता है। शायद ही आपको मालूम हो कि उन 40 पत्थरों को भी कहीं और से नहीं बल्कि वेल्स के पेम्ब्रोकशायर में मौजूद प्रेसली हिल्स से लाया गया था। ये जगह वहां से करीब 200 मील की दूरी पर है और किसी न किसी ने इन्हें वहां से 5000 साल पहले इंग्लैंड तक पहुंचाया था। दरअसल इस बात का खुलासा साल 2019 में तब हुआ था जब प्रेसिला हिल्स पर एक एक्सकेवेशन के दौरान वहां से आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ पत्थर से बने स्टोन पिलर्स मिले थे जिन्हें लकड़ी के साथ बनाया गया था। इस बात का पता तो आर्कियोलॉजिस्ट ने लगा लिया, लेकिन आखिर उन विशाल पत्थरों को वहां तक वो लोग कैसे लाए ये बात आज भी एक रहस्य ही है। नंबर 6। दोस्तों स्टील ऑफ वल्चर मेसोपोटामिया के पिछले 3 पीरियड का इंस्क्रिप्शन है जो ना सिर्फ आज से करीब 4600 साल से भी ज्यादा पुराना है बल्कि इसके साथ ही ये दुनिया के सबसे पुराने हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में से भी एक है। एक्सपर्ट्स का इस स्टील के बारे में ऐसा मानना है कि इसे लागुश नाम की एक सिटी के विक्ट्री के सेलिब्रेशन के दौरान बनाया गया था। लागुश ने अपने पड़ोसी उमा के ऊपर विक्ट्री हासिल की थी। दरअसल इस बात का पता आर्कियोलॉजिस्ट को तब लगा जब उन्होंने उस स्टील पर कई सारे बैटल सीन्स को देखा। इसके साथ ही इस स्टील पर कई तरह की आइकोनोग्राफी भी की गई थी जिसमें एक वल्चर यानी कि गिद्ध भी बना हुआ था और इसी के कारण इसका नाम स्टील ऑफ वल्चर रखा गया। ये लाइमस्टोन का एक बहुत विशाल पीस था
जिसके आज केवल 7 टुकड़े ही मौजूद हैं और इन सभी पीसेस को इराक के गिरसू में 19 सेंचुरी में खोजा गया था। नंबर 5, सीलो वल्चर के बाद अब हम आपको जिस आर्टिफैक्ट के बारे में बताने वाले हैं उसके दो नाम हैं। इसे लेडी ऑफ यूरिक और मास्क ऑफ वारका के नाम से जाना जाता है और अब आप चाहे इसे जो बुलाएं पर यह हिस्ट्री के सबसे सुंदर स्कल्पचर्स में से एक है। जब आर्कियोलॉजिस्ट ने इस मास्क ऑफ वारका की कार्बन डेटिंग की तो उन्हें पता लगा कि ये आज से लगभग 5100 साल पुराना है। इसके साथ ही मास्क ऑफ वारका को इंसानी चेहरे का सबसे पहला आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेशन भी कहा जाता है, जिसे मार्वल के एक पीस पर कार्व किया गया था। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह मेसोपोटामिया गॉड इनाना को डेडिकेटेड था, जो कि सेक्स, लव और पावर की देवी हुआ करती थी। इसे इराक में साल 2003 में खोजा गया था, जो आज भी इराक के नेशनल म्यूजियम में रखा हुआ है। साथ ही इसके बारे में लोगों की तरह तरह की मान्यताएं हैं। नंबर 4, दोस्तों हाल ही में साल 2022 में हुए एक एक्सकेवेशन के दौरान आर्कियोलॉजिस्ट ने एक ऐसी सिटी को खोजा है जो करीब 3000 साल पुरानी है और इस सिटी में एक लायन गेट भी है, जो उस सिटी में इकलौता एंट्रेंस था। और ये सिटी न केवल ग्रीस की बल्कि पूरे यूरोप की पहली इंडिपेंडेंट स्टेट थी। यहाँ से जो एविडेंस देखने को मिले हैं उन्हें देखते हुए आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि ये सिटी ब्रॉन्ज एज के दौरान की सबसे महत्वपूर्ण जगहों में से एक थी। लेकिन शायद आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि ये एक समय पर मेसिनियन पीपल का भी घर रह चुकी है और मेसिनियन पीपल का भी इस सिटी को डेवलप करने में बहुत बड़ा हाथ था। आपको बता दें कि इस सिटी के इकलौते गेट पर हजारों की तादाद में सैनिक पहरा दिया करते थे, क्योंकि इस सिटी की पॉपुलेशन करीब 30,000 के आसपास थी। पर 12वीं शताब्दी में आए भूकंप से पूरी सिटी तबाह हो गई, लेकिन वो लायन गेट आज भी पूरी तरह सुरक्षित है। नंबर 3, दोस्तों ये तो आप सभी जानते हैं कि प्राचीन समय के लोग हॉर्स राइडिंग के दौरान मेटल सूट्स का इस्तेमाल करते थे, लेकिन शायद आपको ये बात जानकर काफी ज्यादा हैरानी होगी कि पैसिफिक ओशन के इंडिपेंडेंट रिपब्लिक ऑफ किरिबाटी के लोगों के द्वारा एक अलग तरह के आर्मर का उपयोग किया जाता था। इस आर्मर को कोकोनट फाइबर को बुनकर बनाया जाता था, जिसे वहां एक स्केलेटन के साथ खोजा गया था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह स्केलेटन और वो कोकोनट फाइबर से बना हुआ आर्मर आज से 5000 साल पुराना है, जो वाकई एक बहुत विचित्र खोज है, क्योंकि आखिर वो उन आर्मर का उपयोग किस कारण से करते थे ये बात आज तक किसी को नहीं पता है। नंबर 2, ये बात तो मैं आप सभी को पहले ही बता चुका हूँ कि बियर पीने का ट्रेडिशन कितना ज्यादा पुराना है। जिस प्रकार आज लोग महंगे महंगे दामों के ग्लासेस में बियर पीते हैं, ठीक उसी तरह प्राचीन समय में भी लोग अच्छे और सुंदर वेसल्स का उपयोग शराब पीने के लिए किया करते थे। अब आप जरा इस नेस्टर के कप को देखिए, जिसे 1954 में लाको अमीनो नाम के एक टाउन में खोजा गया था और ये लाको अमीनो इटली के वोल्केनिक आइलैंड पर मौजूद है। दोस्तों इसके बारे में ऐसा मानना है कि ये आर्टिफैक्ट आज से 2800 साल पुराना है। आपको बता दें कि इस कप पर एक 3 लाइंस का इंस्क्रिप्शन भी मौजूद है। इसके साथ ही उस जार से आर्कियोलॉजिस्ट को वाइन्स के एविडेंस भी मिले थे, जो इसे वाकई में एक अद्भुत खोज बनाते हैं। नंबर 1, दोस्तों अगर कभी आपने भारत में म्यूजिक शो को अटेंड किया है तो आपने कई तरह के म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स को देखा होगा, जिनमें से कुछ तो हवा से चलते हैं और उन्हीं में से एक है सर्पेंट, जिसके बारे में आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे, लेकिन यूरोप में यह साधारण रूप से इस्तेमाल होता है। दरअसल आपको बता दें कि सर्पेंट एक लंबा सा सांप की तरह नजर आता है। इसमें कई अलग अलग तरह के छेद होते हैं, जिसमें एक ओर से मुंह से हवा छोड़नी पड़ती है और इसमें बने छेद पर उंगली से हवा को कंट्रोल कर कई अलग अलग तरह के सुर बाहर आते हैं। इसके बारे में ऐसा दावा किया जाता है कि इसका आविष्कार 1590 में फ्रांस के ऑस्कैर में एडम ग्लुआमे नामक एक पादरी द्वारा किया गया था, जिन्होंने इसे पहली बार प्लेन शांट में गाना बजाने वालों की आवाज को मजबूत कराने के लिए बनाया था। हालांकि कई लोग इसके बारे में ऐसा भी मानते हैं कि 16वीं शताब्दी में इटली में इसका आविष्कार किया गया था, लेकिन इसका असली आविष्कार कब हुआ था और किसने किया था ये आज तक एक रहस्य है, जिसे कोई सुलझा नहीं पाया है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हाँ, जाते जाते इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।